मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरे हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरे हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रा हो जाए अंधी। आमीन 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 आमीन। ना करे यार। वैसे बाबा जी बिल्कुल बरादराना और मुखलिसाना मशवरा ये है कि उम्र के इस हिस्से में ऐसी दुआएं करनी नहीं चाहिए कि वो दिन आखिरी हो। मेरा मतलब है पहले ही 95% अन्ने हो। 5% उचकदे हैं फरिश्ते नु कोई देर नहीं लगनी। पुत्र जी ने शायर ने लिखे है, मैं उन्हें फरमाउन दिया। ओ मैं सदके जावा शायर नु मौज लैन दियो, क्यों सानू दुखी करना जे। किनू मारना है बाऊ जी? बिल्ली जदों 7 सालां दी हो जांदी ना ते उदों उहदे नैन नक्शा बाबा जी अरगे हो जांदे। खिलो जा मेरा पुत्र, ना इस तरह कर कनक दे बूटे। बात ये है बाबा जान कि यहाँ पे हम आए हैं गाने बजाने के लिए। एहो जी दुआ ना मंगो के मुड़ के सी सोच दे रह जाइए कि वाजा चुकी है कि बाबा चुकी है। चलो अंकल जे बाबा जी की खास है तो होण दियो इन्हां नूं अन्ने आ। इन्हां ने कड़ा रोजनामा दुनिया पढ़ना होंदा या बाबा जी ने कड़ा डॉलर गिनने ने। तमीज ना गल करो बाबा, साडा वेखो सफेदी करन वाली पूछी हुंदी है। क्या बात है, क्या डॉलर गिनने ने, क्या कहने। मेरी जान उल्टा परला जी, उन्हें तो प्याली थले अकाउंट खोले। ये तो सवेरे रोज प्याला चुक के थल्यो पैसे कढ़ के रोटियां लैन जांदा। और तंदूर ते रकम घट जांदी है और रोटियां ज्यादा लेणियां हुंदियां। फिर वापस आंदा है, फिर बैंक चुकदा है और बैंक दे उत्ते छोटा जिहा फुल भी बने है। अंकल कोई खारा हो तो बर्दाश्त करते हैं, किसी को खाता देखते हुए जेलस नहीं होते। पुत्र असी बर्दाश्त ते करने हैं मगर इनू खांदे हैं वेख के थकने जरूर। उस्ताद जी कर भी एहो ही रोला, एहो ही लड़ाई जेडे काम आए हैं, जरा गल करो की कर। मैं ना सदके जावा क्या कहने, ऐसे उकाड़े हो तशरीफ ले आए ने। एडा पिंक बंदा मेरा ख्याल है उकाड़े पूरे जिको ही सी। या मतलब की बात करें या मौसीकी की बात करें प्लीज। मैं सदके जावा एदू अच्छी मतलब दी केड़ी गल हो सकती है। जिनी असी जनाब टूरिज्म कीती है सानू ते धिर धिर दा पता जी और चप्पे चप्पे दा पता जी। रब जानदा उकाड़ियों या साग आंदा सी या प्याज आंदा सी। हाय हाय, पहली वारी कोई ब्यूटीफुल एंकर आया। मुख तेरा चन्ना किड्डा प्यारा लगदा है, हो चन्न तेरे अगे सानू तारा लगदा है। बाबा जी आप मेरी शान में जितने मर्जी दौड़े कसीदे सेरे पढ़ ले, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपकी यहाँ तशरीफ आवरी से पहले आप लोगों के चेक बन चुके होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। मैं सदके जावा बस एक जीरो बता के ते नाल छोटे साइन करने ने। तो छोटे साइन क्या होते हैं? वो जैसे छोटा गोश्त होता है दरअसल छोटे साइन। सदके जावा चेंज आएगी उसमें, चाहिए बड़ा जरूरी। मैं सदके जावा देखो ना जरा हालात क्या बनते जा रहे हैं। रब जानता है जुनैद भाई इतनी को मुश्किल हुई पई है, आटा इन्ना महंगा हो गया है कि तुहानू की दसीए। ये तो शुक्र है पतंगबाजी बंद हो गई है, वरना गुड्डी जोड़न वास्ते भी आटा नहीं सी होना। आटा एडा महंगा हो गया बहू जी, तो बाबा बुरकियां भी नहीं करता, सबूता ही सुटी जा रहे हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम है आटे की? हमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रॉक जो मेरे रात को मोहल्ले का एक चक्कर लगाता है आटे आटा। सुभान अल्लाह, और गुणदा भी नहीं, सुक्का फंक जांदा ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹੱਲੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਆਟਾ ਫੱਕਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ।
सामने आ जाओ तो फिर इस जोली में सौ छेद हुए। देखिए मैं आपको अपने शो में कोई मैंने खुली कचहरी नहीं लगाई हुई कि आपकी एप्लीकेशंस लेता रहूं। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जो है वो आपसे कुछ सुनने के लिए मुंतजर रहते हैं। मैं सदके जावां सी बाबा जी अल्लाह दी रहमत नाल सुनाण वास्ते नाल लेके आने हैं। होर को बाबा जी दी अखां च ड्रॉप्स नहीं पुआने असीं। वो भी सुनावांगे पुत्र जी, मगर नाल जाहिर है जब आते हैं बड़े लोगों के पास तो फिर अपना भी दाल दलिया जरूरी होता है। बाबे नु इसलिए फिरदे हो नाल गाने वास्ते। मैं दुनिया ते कहंदी बाबे नु तुसी मंगण वास्ते फिरदे हो। हां हां ऐसे बाबे मुगल आई हॉस्पिटल के चारों तरफ फिर रहे होते। साथ एक औरत होती है कि जी बाबे डॉक्टर ने 5000 फीस दसी। ऐसे तो ना करे जुनैद बाबू जी, 5000 फीस का सवाल नहीं। आज जरा और टेंशन बनी हुई है। सरकार नहीं पूरी पी पी हूं सोचा है कि आर्ट के नाल नाल कोई काम भी करिए। यही काम करे जो आपको आता है। ये जो सामने बाजा रखा हुआ है ना, ये निकाल लेना चादर से हाथ जरा। इतनी भी क्या सर्दी है, कौन सी बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। ओ मेरी जान ये हूं नहीं पूरी पी। ते बाबा जी माशाल्लाह छत्ती काम जानते ने ते असी आने को होर काम नाल शुरू कर ले। और कौन सा काम आता बाबा जी? ओ जी बड़े माशाल्लाह कारीगर आदमी ने, कई काम जानते ने। गड्डी दे बंपर च वज जाण ते घटो घट 1500 कढांदे जे। ये तो अवायल उम्री का मामला है ना, इस उम्र पे तो ये रिस्क नहीं ले सकते ना। ओ जनाब साहब, ओ कड़ा सच्ची मुच्ची वजना हुंदा है, मैं इशारा ही करना हुंदा है ना। बड़े कारीगर आदमी ने, एक पीर दी कबर च बोलती कबर दा पाठ भी कर दे रहे। अठ अठ घंटे कबर दे विचों स्पीकर ते सवालां दे जवाब भी देंदे रहे। वो ते किते सौर भादरो जी मीह पिया ते कबर बैठी थलो बाबा नमूदार होया। ओ नहीं यार, पकड़े बाबा जी उस दिन गए थे जिस दिन कबर में साथ बाजा भी ले गए। जुनैद साहब सिर्फ हुण गुजारिश इन्नी है कि बाबा जी ने ना जनाब मदारी दे नाल भी 2-2.5 साल लाए। बस तुहानू गुजारिश करनी सी कि बाबे होरां नू एक पहाड़ी बकरा, एक बांदर ते एक न्यौला लै दिओ। सप बाबा जी कोल है जी। ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਚ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਨੋਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਦਾਰੀ ਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਮਰੂ ਤੇ ਆਪ ਖਲੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। कितने बड़े फनकार हैं आप, उनसे मदारी करवा रहे। जुनैद साहब उन हर फनकारी रायगां चली जाएगी, जो हालात बना छड़े ने ना इन्ना हुक्मराना ने, हुण मदारी करके ही पैसे कमाएगा जे जे कोई कमाएगा। तो तुहाड़ी मेहरबानी है, बकरा पहाड़ी होना चाहिए जिदे इतो थोड़े जे वालगां भी आए। वह बुजुर्ग बकरे की निशानी होंगी है जुनैद साहब, छिग्गा लैके दे छिग्गा। छिग्गा क्यों जरूरी है? वो सरकार दूंदा या चौगा होवे ते बाबे और करेलियां च पा लैंदे। मुड़ के किथों टक्कड़ चुक चुक के ते लोकां नूं मदारी वहाण। बाबा ने एक दफा कुकर में धोंदा डाला हुआ था, बाबा कहते वेख लो कुकर के ढक्कन उठा के, कहते वेख लो धोंदा जे। पुत जे दे हालात एडे बुरे होए ने कि हर मस्कीन आदमी कहंदा फिरदा है, खड़कन दिल दे तार तुम्हारे दोने ना दीवा, होवे तक दिना दिन ते होवे तक दिना दिन, जाजने जनक दिन जाजने जनक दिन जाजने जनक दिन ता ता ता। ऐसे बाबों के बारे में मशहूर होता है कि बीन बजा के सांप नहीं चूहे पकड़ते। वो तो अपना जी ये वो चूहा ते दसो जिन्नू मुसीकी दी समझ आउंदी। क्या कहने अखीर उकाड़े वाली गल कर दित्ती। सरकार चूहा कूड़ होता है, जेड़ा कच्ची कणक चू खा जांदा कूड़ ही होया ना। मुराद सुरंगी दियां तारां खा जांदा।